मुंबई पुलिस ने लालबाग के राजा की सुरक्षा बढ़ा दी है। अलकायदा के दो आतंकवादियों को पकड़ने के बाद मुंबई पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने भी लालबाग की सड़कों को बंद किया है। पुलिस ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। लालबाग में गणेश उत्सव के दौरान 3 सितंबर से 9 सितंबर तक सड़कें बंद करने का निर्देश मुंबई पुलिस ने दिया है। लालबाग में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मुंबई पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। मुंबई में लालबाग पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। ऐसे में मुंबई पुलिस ने एक नया निर्देश जारी किया है। अब वो जो है 3 सितंबर मतलब आज से लेकर 9 अनंत चतुर्दशी तक लालबाग के जो सर्कल के रोड है वहाँ पे पूरी तरीके से बंद रहेंगे। किसी भी वाहन को वहाँ से आने की इजाज़त नहीं है। वहाँ पे जो है श्रद्धालु को दर्शन करने के लिए ये पूरी जो चेतावनी दी है मुंबई पुलिस से दी गई है। आपको बता दें जो है मुंबई पुलिस ने अलर्ट भी जारी किया गया था। अलकायदा के आतंकवादी पकड़े जाने के बाद मुंबई में जितने भी बड़े पंडाल और गणेश उत्सव के लिए श्रद्धालु की भीड़ होती है उन्हीं जगहों पर जो है मुंबई पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ऐसे में जो है रूट को बदलते हुए अनंत चतुर्दशी के दिन में गिरगांव चौपाटी, जुहू चौपाटी इन सभी रूटों पर जो है रोड बंद रहेंगे। उन रूट को अलग जगहों पर वाहनों को जाने की इजाज़त दी गई है। ऐसे में आपको बता दें लालबाग के राजा की भी गणपति बड़े तौर पर मुंबई में मानी जाती है, तो उन रूट पर अब वाहन नहीं चलेंगे, पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और मुंबई पुलिस भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी है। मुंबई से राहुल शुक्ला, मेट्रो मुंबई न्यूज़। इससे पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम को 26/11 के हमले की धमकी मिली थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने अलर्ट जारी किया था। ऐसे में महाराष्ट्र में गणेश उत्सव के दौरान मुंबई में बड़े बड़े गणेश पंडाल और विसर्जन स्थल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बढ़ती रही है। मुंबई पुलिस ने सुरक्षा इंतजाम बनाए रखने के लिए बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड की टीम, क्विक रिस्पॉन्स की टीम को भी अलर्ट पर रख दिया है। मुंबई के लिए संवाददाता राहुल शुक्ला की रिपोर्ट।